यहाँ पर तीन लाइनें हैं, अप मेन लाइन, डाउन मेन लाइन एंड अजमेर बाईपास लाइन। तो डाउन मेन से गाड़ी आ रही थी, होम सिग्नल उसका रेड था, उसको जो पायलट्स को कंट्रोल करने में थोड़ा वक्त लग गया। इधर से दूसरी गुड्स ट्रेन मेरी क्रॉस कर रही थी, तो वो कंट्रोल करने में देरी हो गई और उनके दोनों साइड से रगड़ खा गई, जिसके कारण ट्रेन के कुछ कोचेज डेल हो गए हैं। चोट किसी को नहीं लगी, एक आदमी को फर्स्ट एड, थोड़ी सी खुर्च लगी थी, उसको फर्स्ट एड दे करके फर्स्ट एड दिया गया। देन हम लोगों ने ये वो ट्रेन भी यहाँ से साइड से चालू हो गई, तीन में से दो लाइनों पर ट्रेन की आवागामी चालू हो गई। एक ट्रैक पे दो ट्रेन नहीं थी, एक डाउन मेन से दूसरी जा रही थी, तीसरी जो लाइन है मेरी बाईपास लाइन से क्रॉस कर रही थी। ऐसा नहीं है कि एक ही ट्रैक के ऊपर दो हैं, कोई सिग्नल फेलियर या कोई टेक्निकल फेलियर इसमें कोई नहीं है, क्योंकि गुड्स ट्रेन लोडेड गुड्स ट्रेन थी, क्रिंकर से भरी हुई थी, तो उसमें वजन बहुत था। तो जब दो हैवी, एक हैवी और एक हल्के, जो व्हीकल जो साइड में गुजरते हैं तो हल्के वाला व्हीकल साइड पे हो जाता है। व्हीकल दो रस्ते हमने, दो लाइन्स फिट हो गई हैं, जैसे अभी देख रहे हैं राजधानी आ चुकी है, सबसे पहले भी यहाँ से एक ट्रेन गुजर चुकी है, अब मेन राजधानी प्रॉपर पाथ पर आ रही है, तो वो राजधानी अभी क्रॉस करेगी यहाँ से। यहाँ पर तीन ऑफिसर्स की कमेटी गठित कर दिया गया है, वो इसकी जांच कर रही है। जो जहाँ से जो प्रभावित गाड़ी थी उसको अजमेर ले जाया गया, अजमेर में उनको चाय पानी नाश्ता कराया गया एंड देन फिर आगे उस ट्रेन को यहाँ से चलता कर दिया गया। तीन लाइन में से दो लाइन पर का फिटनेस दिया जा चुका है, थर्ड लाइन बची है, वो अभी जो ऑफिसर से मैं मीटिंग करके उनसे टाइम लूँगा एग्जैक्टली कब तक हो पाएगा, बट मैं मानता हूँ कि अभी 4-5 घंटे लगेंगे। तो देखा ये थे दोबारा में हमारे न्यूज चैनल्स को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें और घंटी का बटन प्रेस करें, ताकि आने वाली हर वीडियो और अपडेट्स की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।